नमस्कार एवं सुप्रभात दोस्तों, दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग्स में आपका पुनः स्वागत है। पुराने जमाने में जो पीतल के और तांबे के जो बर्तन होते थे उनके ऊपर कलाई करते थे, तो ये देखो ये प्रोसीडिंग है कलाई का। ये चीज़ आजकल प्राय लुप्त हो चुकी है। मैं भी यही बैठ जाता हूँ। सर शुभ नाम आपका? आपका नाम? बाबू भाई। देखो दोस्तों, बाबू भाई है, ये मशीन है, ये हवा चल रही है और उधर देखो अंगारे लगे हुए हैं लोहे के, कोयले के, सॉरी। इसको ऊपर करना, ऊपर आ गया। ये देखो ये नीचे से ये पूरा पहले इसको गर्म करेंगे, अब कलर हो गया। फिर इसके अंदर है ना निकल होती है, उससे उसका कलर करते हैं। तो अभी पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा मैं आपको। अब इसके अंदर ये क्या चीज़ है? ये बता रहे हैं कि ये नौसादर है, गरम करके और नौसादर इसके अंदर डालते हैं। फिर ये देखो, ये कलाई दिखाना, कलाई दिखाना, कलाई का टुकड़ा दिखाना आपके हाथ में। ये देखो दोस्तों, ये कलाई है, कली बोलते हैं इसको। ये इसमें डाल के और गरम करके और इसके चारों तरफ ये घुमा रहे हैं। घुमाते ही अंदर इसमें बर्तन के अंदर चमक आने लग गई। ये देखिए, ये कली चारों तरफ फैल गई। अब ये 2-3 साल तक ये खराब एकदम बर्तन चमकदार होने लग जाते हैं। ये देखिए, ये दोस्तों ये नई जानकारी है। पहले के जो जमाने के अंदर जब बर्तन ये ठंडे पानी में डाल दिया, एकदम नया हो गया बर्तन। ये देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं लग रहा जैसे एकदम कोई नया बर्तन बाजार से खरीद के लाए हो। ये है जादू, ये जादू नहीं है, ये मेहनत का काम है दोस्तों। और तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? पुराने बर्तनों को गर्म करके उसके अंदर कली यानी निकल फेर के उसको गर्म करके और नौसादर से ऐसे ऐसे करते हैं और बर्तन एकदम चमकदार हो जाता है। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब। दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग।